खबर जनपद नैनीताल के हल्द्वानी से है, जहां तहसील प्रशासन ने सरकारी पैसा हड़पने वाले 22 बड़े बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि यह बड़े बकायेदार लंबे समय से सरकारी राजस्व का करोड़ों रुपए दबाकर बैठे हैं, जिसके बाद अब प्रशासन ने करोड़ों के बकायेदारों की सूची जारी कर तहसील सहित शहर के अन्य कार्यालय में चस्पा कर दिया है। इसी विषय को लेकर तहसीलदार सचिन कुमार ने बताया कि तहसील प्रशासन ने बड़े बकायेदारों से 10 करोड़ की वसूली के सापेक्ष अब तक रिकॉर्ड तोड़ 6 करोड़ वसूली कर ली है और अन्य से तहसील प्रशासन सख्ती से वसूल कर रहा है। इसके आगे तहसीलदार ने कहा कि प्रशासन अपने वसूली के लक्ष्य प्राप्ति से आगे है, जल्द ही शहर के सभी बकायेदारों से वसूली की जाएगी। इसके अलावा बकाया न देने वालों की संपत्ति को भी कुर्की की जाएगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। तहसील में पिछले माह के अंत तक 10.5 करोड़ रुपए की बकायेदारी थी, जिसके सापेक्ष हम लगभग 6.5 करोड़ रुपए वसूल कर चुके हैं। जो हमारे बड़े बकायेदार हैं, 22 बड़े बकायेदार, उनको हमने चिन्हित किया है और उनकी भूमि की कुर्की और नीलामी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा सभी लोगों के खिलाफ जो बकायेदार हैं, उनके खिलाफ वारंट या फिर साइटेशन हमारे द्वारा जारी किए गए हैं और लगातार इसमें हमारी तरफ से प्रयास किया जा रहा है। 22 बड़े बकायेदार हमने चिन्हित किए हैं, इसके अतिरिक्त काफ़ी बड़ी मात्रा में हमारे पास बकायेदार हैं।